अब तक आपने देखा गौना होने के तुरंत बाद ही गंगा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। तेरे बाप का साया भी उठ गया सिर से और देखना तू अनाथ हो गई। अच्छा आके बैठ। बनारस के मशहूर वकील निरंजन बाबू गंगा की व्यथा सुनने के बाद एक विधवा आश्रम में उसके रहने की व्यवस्था कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर गंगा पर होता है अत्याचार। अरे 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 भैया जी, गंगा पर है। अरे मेरे घर चलो। मेरे बाल तो नहीं कटवाओगे ना? दया ममता अपनी जगह पर है, पर ये लड़की यहाँ नहीं रह सकती। लेकिन अम्मा जी के मना कर देने पर गंगा वहाँ से चली जाती है और उसकी मुलाकात सागर से होती है। अम्मा जी और सागर के आपसी प्यार को देखकर गंगा को एक युक्ति सूझती है। अपनी युक्ति से गंगा चतुर्वेदी सदन में अपनी जगह बना लेती है और फिर उसकी मुलाकात होती है सागर के बड़े भाई पुलकित से। इसी बीच पुलकित को गंगा के अनाथ होने के बारे में पता चलता है। एक बड़े घर में बहुत सारे लोगों के बीच रहने के बावजूद गंगा खुद को अकेला पाती है और उसके अकेलेपन को उसके पिता की यादों का सहारा मिलता है। अब आगे। गंगा, ओ गंगा, उठ जा, उठ जा, गंगा, क्या घोड़े बेच के सो रही है? गंगा, उठ जा, ओ गंगा, उठ जा गंगा। ये कहाँ गई? अरे ये लड़की कहाँ गई? गंगा, गंगा, गंगा। अरे कहीं ये स्नान करने तो नहीं घुस गई? इससे मना भी किया था कि मेरे से पहले मत जाना, फिर भी क्या हुआ महाराज? अरे लड़की गंगा, ऐसे समझाया था कि मेरे जाने से पहले गुसलखाने में मत जाना, फिर भी चली गई। सुना ही नहीं उसने, सब अशुद्ध कर देगी। अरे महाराज जी, लेकिन गुसलखाने का दरवाजा तो खुला हुआ है। क्या? हाँ। गंगा वहाँ नहीं है? नहीं। तो कहाँ गई? वहाँ गई। हे भगवान, तू जा वहाँ देख, मैं ऊपर देखता हूँ। अच्छा गंगा, गंगा, ओ गंगा, ओ गंगा। अरे गंगा कहाँ मर गई है? ओ गंगा, 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 लहरी छुपी है गंगा। महाराज जी, क्या हुआ लहरी? क्यों शोर मचा रहे हो सुबह सुबह? क्या चिल्पो मचा रखा है, बाहर तक आवाज आ रही है, क्या हुआ? ओ गंगा। हाँ हाँ अम्मा जी, हाँ। पूरा घर देख लिया, गंगा का कहीं पता नहीं चला। निरंजन के कमरे में होगी। नीरो, ए नीरो, क्या हुआ अम्मा जी? वो लड़की गंगा तेरे कमरे में है क्या? नहीं, नहीं तो क्यों? पता नहीं, सवेरे से ढूंढे जा रहे, चिल्लम पोकर रहे, होगी यहाँ कहीं गंगा? यहीं कहीं होगी, छत पे देखा? परेशान कर रखा है। सब जगह देख लिया लेकिन कहीं नहीं मिली वो। है गंगा, गंगा, कहाँ है ये लड़की? ये भाग तो नहीं गई है? अम्मा जी, वो भागेगी क्यों? अरे मुझे क्या पता, अब घर पे नहीं है तो भागी गई होगी। अरे यहीं कहीं होगी, ठीक से जाके देखो। जाओ। देखा भौजी, सब जगह देखा पर कहीं नहीं दिख रही है वो। रात तक तो ठीक ठाक थी, यहीं थी, सुबह देखा तो गायब। किसी ने उससे कुछ कहा तो नहीं? बिना किसी बात के तो जाएगी नहीं। आप दोनों में से तो किसी ने कुछ नहीं कहा ना? नहीं नहीं भैया जी, हम भला कुछ क्यों बोलेंगे, मेरा काम भला और मैं भली, बस। देखो अम्मा जी, भैया जी हम लोगों को दोष दे रहे हैं। दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या हुआ था। मुझे नहीं पता भैया जी, अच्छे से खाना खिलाया था रात को और बिछोना भी दिया था। कोई आवाज सुनी थी आपने दरवाजे खोलने की? नीरू, तू क्यों पीछे पड़ा है महाराज जी के? 24 घंटा पहरा देगा क्या? अच्छी मुसीबत है, खुद तो बिना जान पहचान के घुसा लेते हो घर पे लोगों को, होगी नहीं मुसीबत खड़ी? लड़की जात है नीरू, समझो, घर पे रहे तो मुसीबत और भाग गई तो दुगनी मुसीबत। और मिल गया होगा तरस खाने वाला, उसके साथ चली गई होगी, आपकी परेशानी से भला उसे क्या? हाँ, वो दिखती भी बहुत चंड थी, एक जगह टिक कर रहने वालों में से नहीं थी वो। अगर कुछ हो गया तो पाप तो अम्मा जी और उनके परिवार पर ही चढ़ेगा ना? बताओ, ये तो वाली बात होगी कि हवन करते हाथ चलते। मैं जाकर देखता हूँ, किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई? लो अब ये चल दिए, मुसीबत में फंस गई, क्या होगा क्या पता है, परेशान होकर इस लड़की ने तो।
साथ खेलना है। सागर भैया वो तो चली गई। चली गई? देखो मम्मी, मैंने कहा था ना, अगर आप मुझे सोने ले जाओगे तो चली जाएगी। मैं किसके साथ खेलूंगा? मुझे उसके साथ खेलना है, खेलना है, खेलना है, खेलना है, खेलना है। लल्ला, इधर दादी के पास आजा, 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 आ मेरा लल्ला। सोया ठीक से? अच्छा अच्छा, बैठ बैठ। अरे ए दादी के पास बैठ मेरा लल्ला, वो आ रही है, अभी आएगी। ये झूठ बोलती है ये मेरी, झूठी कहेगी। पर कब आएगी? कहाँ ना आएगी, अभी आएगी, अभी आएगी। हाँ दादी, पर मुझे उसके साथ खेलना है, अभी के अभी। सागर, सुबह सुबह कोई उठते ही खेलता है क्या? वैसे भी आज स्कूल की छुट्टी नहीं है, चलो स्कूल जाना है। हाँ हाँ, स्कूल जाने के बाद मन भर के खेलना, ठीक है? जा जा बहू, इसका बस्ता तैयार कर। ये मलाई कुल्फी खाएगा मेरा बेटा, ले खा। जा चल 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 चल, खुश रहे खुश रहे। बहुत लेट हो जाएगा, स्कूल से आओगे फिर आराम से आप और गंगा खेलना, ठीक है? अभी तो सालिग्राम जी की कृपा से मान गया, बाद में क्या होगा। मतलब एक छोटी बच्ची को देखा, इतनी छोटी है, सफेद साड़ी पहनी है, लंबे बाल है। भाई साहब, एक छोटी सी बच्ची, भाई साहब एक छोटी सी बच्ची को देखा, सफेद साड़ी पहनी है, इतने से बाल है। मम्मी, मैं स्कूल से वापस आकर गंगा के साथ खेलूंगा। हाँ हाँ, गंगा के साथ खेलना, लेकिन अभी तो लेट हो रहा है ना स्कूल के लिए। चलो फटाफट फटाफट, अब बोल देना उसे कहीं नहीं जाए। हाँ मैं बोल दूंगी। हाँ राजा बेटा, तैयार हो गया लल्ला। दादी, आज भी आप हमारा गेम देखोगे ना? हाँ? मैं खूब चौके छक्के मारूंगा, उस गंगा को इतना भगाऊंगा, इतना भगाऊंगा कि वो थक जाएगी। वो सब बातें छोड़, स्कूल के लिए देरी हो रही है ना बहू, इसके खाने के डब्बे में अच्छा अच्छा नाश्ता देना। हाँ बड़ी हड़ी क्यों, जा जी मुझे मेहरी। हाँ खूब अच्छा अच्छा नाश्ता मिले, नाश्ता कराती हूँ। मेहरी, ओ मेहरी, एक जान हजार का, दो मिनट का भी चैन नहीं, जब देखो तब बस मेरी 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 मेरी। जवाब क्यों नहीं दे रही है? सुनाई नहीं दिया तो वो बहूजी, कुछ काम था। टिफिन धोके दिया महाराज जी को, खाना कब से तैयार है? जी दे दिया, मैं लेकर आती हूँ। तू कमरे की सफाई कर, मैं देखती हूँ। जी को देखा, सफेद साड़ी पहनी है, इतने बाल है, इतनी छोटी। निरंजन बाबू, आप क्या कर रहे हैं यहाँ सुबह सुबह? वो गंगा कहीं चली गई है। आप चलिए मेरे साथ। कहाँ? आप चलिए तो सही, लेकिन कहाँ? मैं आपको बताता हूँ, आप आइए मेरे। अच्छा हुआ सागर ने ज्यादा सवाल नहीं किए और चुपचाप स्कूल चला गया। अगर उसे पता चल जाता कि गंगा कहीं चली गई है तो बस जिद पकड़ कर ही बैठ जाता। स्कूल से वापस आएगा, देखेगा नहीं है तो फिर क्या करेंगे? खाम खा बैठे बैठाए मुसीबत मोल ली सर पे। बुरा ना मानना अम्मा जी, पर हमें तो उस लड़की के लक्षण शुरू से ही ठीक नहीं लगे, हर चीज को आंखें गड़ाए घूरे जा रही थी वो। किसने मांगी तेरी राय? जा ढूंढो उस लड़की को, कहीं कोने में दुबक के बैठी होगी। सब जगह तो ढूंढ लिया अम्मा जी, अब और कहाँ ढूंढूं? तो फिर से ढूंढेगी तो तेरे पाँव घिस जाएंगे। महाराज आया। अम्मा जी तुम भी ढूंढो उस लड़की को, जाओ, पिछली बार की तरह कहीं घर पे ही ना छुपी बैठी हो। और बहू सुन, तू अपनी अलमारी अच्छे से देख ले, पता चला कुछ कीमती चीज लेके गायब हो गई तो। अम्मा जी ऐसी तो नहीं लगती है वो। बहू जी किसी के चेहरे पर थोड़ी लिखा होता है कि कौन कैसा है। कल सागर भैया का चॉकलेट चुरा लिया था उसने, और तू अब बोल रही है।
तेरे मुंह में कर। ये भगवान, कल चॉकलेट चुराया, आज कुछ कीमती चीज उड़ा गए। निरंजन मीना दिमाग खराब है इसका, किसी को भी उठा के ले आता है। कल कोई ऊंच नीच हो गई ना तो लोग लेने के देने। अब तुम तीनों बुत बने क्यों खड़े हो, जाके ढूंढो उसे। जी अम्मा जी। लल्ला आएगा तो आफत मच जाएगी। कुछ पता चला? नहीं। भगवान, कहां मर गई ये लड़की? क्या आसमान खा गया या जमीन निगल गई उसे? आई निरंजन बाबा। क्या हुआ राघव जी, घाट पर क्यों आए हम? गंगा कहीं चली गई है। मैं कल आपको बताए थे ना कि दर्जनों लाशें अभी भी घाट में पड़ी हुई है। सरकार ने सामूहिक दाह संस्कार का इंतजाम किया है। सुबह से इन्हीं लाशों में अपने बप्पा को ढूंढ रही है वो। पुलकित बेटा, मैं तुझे पैसे देती हूँ, जल्दी से जा। हाँ, ये ले, ये पैसे ले और जाके देख, पापा शायद कोर्ट में होंगे। उनको, उनसे पूछ गंगा मिली कि नहीं मिली, बड़ी बेचैनी हो रही है मुझे। जा बेटा जा, जल्दी जाना। हाँ, आज दिन की शुरुआत ही अच्छी नहीं हुई है, सुबह से हंगामा मचा हुआ है। नहा के सिंदूर तक नहीं लगाया मैंने, अगर अम्मा जी देख लेंगी ना तो आसमान सर पे उठा लेंगे। वरना कहती है कि सुहागन होकर भी मांग खाली लिए घूम रही है सुबह से। पेंडेंट, पेंडेंट कहाँ गया? नहीं मतलब
वही कहीं होगा, ढूंढ। नहीं अम्मा जी, रात को सोने के समय मैंने वही ड्रेसिंग टेबल पे रखा था, अब कहीं नहीं मिल रहा है। कहीं कहीं इसीलिए तो वो लड़की गायब नहीं हो गई? हाँ शायद तू ठीक कह रही है, जरूर उस लड़की ने चोरी की है और पकड़े जाने के डर से भाग गई है। नहीं अम्मा जी, मुझे नहीं लगता कि तू ना अपना दिमाग ज्यादा ना चलाए तो अच्छा है। क्या कमी थी उस लड़की को कि वो चली गई यहाँ से? खाने को नहीं मिलता था भरपेट, या सर छुपाने के लिए छत नहीं मिली उसे? यही है नियत में खोट, फिर कैसे यहाँ टिकती भला? अम्मा जी वो चोरी वोरी कभी? तू तरफदारी मत कर बहू, जाता जाता है नहीं समाज सेवा करने चली। तेरी ये मूर्खता और कम अकली की वजह से पहले से हम लोग बहुत भुगत चुके हैं। पता था मुझे, पता था यही होने वाला है। तुम सारे लोग उसके भोले वाले चेहरे से धोखा खा सकते हो, लेकिन मैं नहीं। एक नजर से मैं समझ गई थी कि ये लड़की चोर। नहीं अम्मा जी, लेकिन मेरा मन नहीं मानता कि गंगा ने चोरी की होगी। अगर उससे चोरी करनी ही होती तो उस दिन मेरा पेंडेंट गंगा वापस क्यों देती? तरीके तरीके है भरोसा जीतने के, पर तुझ पर ना बहुत दया आती है मुझे, तेरी बुद्धि पर। दो बच्चों की माँ होने के बावजूद भी तू घर गृहस्थी के मामले में एकदम निपट अनाड़ी। दादी इतने गुस्से में क्यों है? मम्मी को डांट क्यों रही है? अब तुम लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? फोन करो नीरू को, अरे पुलिस में जाओ, रपट लिखाओ ताकि वो लड़की पकड़ी जाए। इसे कहते हैं दिया तले अंधेरा, पूरे शहर को न्याय दिलाने वाले वकील के घर में ही चोरी। छी छी, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। अब खड़ी क्यों है? फोन कर अपने पति को कि बता दे पुलिस को कि गंगा भाग गई है। भाग गई? पर राजी आपने तो कहा था मैं स्कूल से वापस आने तक वो आ जाएगी, फिर साथ में खेलना। क्या बताऊं लल्ला, सबको लगा कि वो घर में ही कहीं होगी, पर बाद में पता चला कि अम्मा का लॉकेट चोरी करके वो भाग गई। मतलब चोरी की गंगा ने? पर वो तो इतनी छोटी सी है। तो क्या हुआ भैया जी, बड़े बड़े चोरों की टोली में काम करती होगी ये लड़की। घर घर जाकर अपनी मीठी मीठी बातों से बहला फुसलाकर माल मट्टा लेकर फुर हो जाती। अब अपना अपने कमरे में जाकर देखो, कहीं आपका खेल खिलौना तो लेकर नहीं भाग गई वो? संभाल के मेरे ला। दादी, जो मेरा फेवरेट टॉय पापा जापान से लाए थे, ले गई वो? नहीं, कबर्ड में एकदम सेफ रखा है। अम्मा जी बुरा मत मानिएगा, पर बच्चे के मन में ऐसे शक पैदा करना ठीक नहीं है। ये शक नहीं बहू, इसे सतर्क होना कहते हैं। खुद तो नंबर एक की लापरवाह है, चीजें इधर उधर रख के भूल जाती है। अपने बच्चे को ये भी ना सिखाएं कि अपनी चीजों का ध्यान रखें। रुक रुक, नहीं पापा नहीं। भागती कहाँ है? कहाँ तक भागी बंद रही है? कहाँ तक भागी? पकड़ा। अब लग रही है ना हमारी बिटिया बिल्कुल राजकुमारी।
अंतिम क्रिया के लिए इनके पुत्र को बुलाइए। वो तो नहीं है। फिर नहीं बिटिया, अंतिम संस्कार बेटियां नहीं करती, ये अधिकार तो सिर्फ बेटों का होता है। अपने पिता की इकलौती संतान है ये पंडित जी, बेटी भी यही है और बेटा भी, इसे ही करने दीजिए। ऐसा कभी नहीं हो सकता निरंजन बाबू, हम सासुरों के विरुद्ध नहीं जा सकते। किसी रिश्तेदार को बुलाइए, लेकिन कन्या के हाथों ये काम नहीं होगा। पंडित जी, कोई रिश्तेदार भी नहीं है, जो भी है बस ये लड़की ही है। तो फिर आप कर लीजिए। शास्त्रों और धर्म ग्रंथों का आदर मैं भी करता हूं पंडित जी, लेकिन लकीर का फकीर बने रहने में मैं विश्वास नहीं करता। आप ही बताइए, किसी अनजान के हाथों अंतिम संस्कार होने पर क्या इस आदमी की आत्मा को शांति मिल पाएगी? बेटा नहीं है तो क्या अंतिम क्रिया से भी वंचित रह जाएगा ये पिता? नहीं पंडित जी, ये अन्याय है। जीवन त्यागने के बाद भी अगर हम किसी इंसान को पूरे सम्मान के साथ विदा ना कर सके तो इंसान कहलाने के लायक नहीं हम। आप गंगा के हाथों ही सारी विधि कराइए, मुझे इसमें कोई अधर्म दिखाई नहीं देता। Yeah.